counting in tens, chickens and the clever fox. So this is the story about chickens and the clever fox. Let's read it out. Tikloo farmer has many chickens in her farm. जो टिकलू फार्मर है, किसान है, उसके यहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, वो अपने फार्म में से पालता है. वन डे क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड. तो एक बार एक फॉक्स है, लोमड़ी है, वो देखती क्या है इन बच्चों को खेलते हुए. ओके, फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे. तो उसको देख के ही उसकी जिमी पानी आ गया और वो चाह रहा था कि सारे चिकन को खा लूँ, और वो ऐसा करने लगा. वो क्या करने लगा, डेली इसको चुराने लगा और उसे खाने लगा. टिकलू केम टू नो अबाउट इट. तो टिकलू को इसको ये जो घटनाएं हो रही थी, ये घटनाएं हो रही थी, उसे टिकलू को पता चल गया. सी आस्क्ड द फॉक्स. तो वो पूछती है इस लोमड़ी से, हे डू यू ईट माई चिकन्स. नो रियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स. नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो नहीं खाया आपकी चिकन्स को. तो ये ऐसा लोमड़ी जवाब देती है टिकलू को. टिकलू थाउट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स. तो टिकलू को ये झटका सा लगा क्योंकि उसके चिकन्स खो रहे थे, वो गायब हो रहे थे और उसको लॉस लग रहा था उसके बिजनेस में. तो इसलिए टिकलू ने सोचा क्यों ना मैं काउंटिंग शुरू करूं. ठीक है, तो वो हर इवनिंग और मॉर्निंग वो दो टाइम काउंटिंग उसने सोचा है कि करने को. बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर. लेकिन होता क्या था, जो उसको काउंट करने में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि चिकन्स ये चिक्स जो होते बहुत ही फुर्तीले होते, इधर उधर भागते रहते हैं. तो उसने क्या सोचा, शी सेड आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट. तो उसको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग वो क्या करी, एक बास्केट में 10 चिकन्स को डाल दी एंड काउंट देम. तो इस तरह से वो 10 चिकन्स को एक बास्केट में डाल के और इस तरह से अपना अकाउंटिंग पूरा कर रही है. आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट एंड काउंट देम एंड इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग. अगर मुझे एक भी उस चूजे में से, चिकन्स में से एक भी चिक मिस हुआ मिलता है, आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप. मैं इस लोमड़ी को बहुत ही ज़ोरदार तमाचा जड़ने वाली हूँ. ये सोच रही है, ये टिकलू का आइडिया है कि अपने चिकन को बचा सके. इन द मॉर्निंग सी काउंटेड हर चिकन्स. उसके बाद वो सुबह में इन चिकन्स को काउंट करती है. हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर. तो आप बताओ कितने सारे बास्केट्स हैं 10 चिकन्स के. तो यहाँ मैं देखूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 10 चिकन्स के एक बास्केट, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर मुझे आंसर करना, हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर. Yes, I got 5. Don't you see? Yes, 1, 2, 3, 4, 5. If you observe, there are 10 chickens in each basket. Okay. How many chickens are there in all? So, we have 5 baskets. Okay. We have 5 baskets. And in each basket, there are 10 chickens. So, how many chickens are there in all 5 baskets? So we have to multiply 5 by 10, now 50. That means we have 50 chickens in baskets only. But what about these extra chickens? So we have to include these extra chickens. So we have here 50 and we have to add 4. How much we have right now? We have 54. तो मुझे देखो, ये चार, ये पांच बास्केट हैं. तो एक बास्केट में 10 चिकन्स हुए, तो पांच बास्केट में कितने चिकन्स हो गए, तो 5 × 10 = 50. अब देखो एक्स्ट्रा में कितने चिकन हैं जो बाहर है इस बास्केट के, तो बाहर कितने हैं आप देख सकोगे. तो यहाँ 2 है और ये ऊपर में, लेट मी शो यू. यस, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, तो कितने हो गए, 4. तो पहले सारे बास्केट मिलाकर 50 हो गए और एक्स्ट्रा में 4 हो गए, तो कितने हो गए, 54 हो गए. इन द इवनिंग से काउंटेड द चिकन्स अगेन. तो जैसा कि बताया गया कि वो सुबह में काउंट करेगी और शाम में काउंट करेगी. तो सुबह में उसने काउंट करा, उसके पास 54 चिकन्स थे. अभी देखते हैं कि क्या इसके चिक्स को और चिकन्स को क्या वो मुर्गी खा लेती है, सॉरी वो लोमड़ी खाती है क्या. देयर आर डेज बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स. चलो सुबह में मुझे पता चला कि इसके पास 5 थे, है ना, 5 बास्केट्स थे. ओ माई गॉड, दिस टाइम इट इज़ 1, 2, 3, 4. एक बास्केट ही गायब है इसके. तो जो सुबह में इसने काउंट करा था उसके पास 5 बास्केट थे, और अभी जो काउंट कर रही है तो इसकी एक बास्केट ही गायब है. देर आर हाउ मेनी बास्केट्स देर, सो देर आर ओनली 4 बास्केट्स, 1, 2, 3 एंड 4. यस, 4. सो देर आर डैश प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मेनी चिकन्स इन ऑल. तो सुबह में 5 थे तो 50 हुए थे, अभी 4 है तो कितने हो गए,
40 हो गए, क्योंकि एक बास्केट में 10 आ रहा है, तो 4 बास्केट कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, एंड 40 + 3 हाउ मच, 43। तो सुबह में कितने थे, 54 थे, ओके 54 थे। तो उसमें से कितने चिकन्स को खा लिया गया, तो अभी बचे हैं उसके पास कितने, 43। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4 वी गेट 1, एंड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 वी गेट 11। दैट मीन्स 11 चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स, 11 चिकन्स के खा लिए गए। सो दैट्स आई थिंक देर इज नथिंग मोर, ओके यस, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।